United Nations Day celebrated on October 28 at Radisson Blue, New Delhi. The event was graced by the presence of Her Excellency High Commissioner Anisa Kapufi Mbega from Tanzania, who served as the chief guest. Besides Chileya Selamutu, the NDMC director, and Elizaveta Nikitina, a representative from Russia, was also present. All international dignitaries showed their concern on human values. The event was hosted by Golden Sparrows Organization, led by directors Dr. Tilak Tanwar and RJ Aarti Malhotra from All India Radio. Distinguished intellectuals from all the corners of India were honored with the title of real-life heroes during the event. These real heroes were also invited on stage to express their thoughts and working to inspire the world. Let's listen one such real-life hero. Good afternoon, everyone. जब जब दुनिया वालों ने कमज़ोर समझा मुझे, खुद को साबित करते करते मैं और मजबूत होता गया. सो बचपन से ही लोगों के जो निगाहों में, मेरे घर वालों के निगाहों में मैं कमज़ोर बच्चा था, उसे उन लोगों को प्रूफ करते 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 आज यहाँ तक मैं और मजबूत होते होते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. वो साइकिल चलाना हो या स्पोर्ट्स डे में पीटी टीचर का मुझे रो से, नॉर्मल बच्चों के रो से बाहर निकालना हो, या जिम में फर्स्ट टाइम जाना हो, या बाइक विदाउट सपोर्ट चलाना हो, कार चलाना हो, इन सारों ही चीज़ों से दुनिया वालों ने या मेरे घर वालों ने मुझे कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया. मुझे हमेशा यही सोचा कि नहीं, कुछ भी कर सकता है. लेकिन मैंने जब से मतलब होश संभाला, मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं कोई भी चीज़ ट्राई करने के लिए नहीं करता हूँ कि आई विल ट्राई. मैं जो भी करता हूँ उसे डेफिनेटली करने के लिए ही करता हूँ. और आज मेरा फिटनेस सेंटर है, बहुत बड़ा फिटनेस सेंटर है, एक नामी, मैं मुंबई का फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. और मैं अपने, मेरी खुद की थ्योरी है जिससे मैं, मेरा खुद का साइंस में बोलता हूँ है, जिससे मैं लोगों की मेडिसिन बन करवा के, एक्सरसाइज करवा के, अच्छे से प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन देके उनकी सारी बीमारियों को ठीक करता हूँ. ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं है जिसे मैंने ठीक नहीं किया है. यही सब काम को देखते हुए मुझे भारत सरकार ने अभी रिसेंटली मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से उपाधि दी है. और सबसे ज़्यादा लोगों को फिट करने का, सबसे ज़्यादा लोगों को पैरालाइज जो है, जिसने साइंस ने जो ब्रेन हेमरेज का केस हाथ उठा देते हैं, उनको भी ठीक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज है. सो जैसे एक लास्ट थोड़ी सी लाइन में बोलना चाहूँगा कि 50% जो मेरा साइंस मेरा वर्क करता है, और जो 50% जो वर्क करता है मुझे पॉजिटिव जो मेरे वर्ड्स होते हैं, जो मेरे क्लाइंट के मन में निगेटिव थिंग आई होती है, लोगों ने कहा होता है कि ठूक तो ठीक नहीं हो पाएगा, तो उन्हें जो पॉजिटिवनेस मैं देता हूँ और ट्राई करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको करना है आप हो जाओगे ठीक. सो यही एक कहानी तो बहुत लंबी है, काफ़ी उतार चढ़ाव है ज़िंदगी में, लेकिन मेरी अभी एक मेरी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी आ रही है, जर्नी ऑन वन लेग, वड़ा पाँव सेलर, आनंद वड़ा पाँव वाला टू डॉक्टर आनंद सर. सो आते ही आप लोग पढ़ के, मेरी पूरी बहुत लंबी कहानी है, डिप्रेशन, सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड एंड ऑल, और उससे लड़के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. थैंक यू सो मच तिलक जी एंड आरती जी कि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा. थैंक यू सो मच.